क्या बोलते भाई लोग, आज अपन बात करेंगे तकाशी 69 के बारे में। तकाशी 69 का जन्म हुआ था 8 मई 1996 में, और उनका असली नाम डेनियल हर्नांडिस है, और वो पैदा हुए थे ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, और वो जाने जाते हैं अपने रेनबो कलर हेयर और पब्लिक फाइट्स और लीगल इश्यूज की वजह से। उनका बचपन काफ़ी गरीबी में गुजरा है। जब उनकी उम्र 13 साल हुई तो उनके घर से कुछ ही दूरी पर उनके पिता को किसी ने गोली मार दी, जिसके बाद उनके पिता नहीं बचे। अपने पिता को खो देने के बाद उनकी हालत बद से बदतर हो गई। फिर इसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी और वो छोटे मोटे जॉब्स करने लगे। वो रेस्टोरेंट में एज अ वेटर काम करने लगे। इन सभी के बाद भी उनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, जो था ड्रग डीलिंग, और उन्होंने अपने भाई के साथ ड्रग डीलिंग शुरू कर दिया था। 69 एक दुकान में काम करते थे जहाँ पर वो छुपकर अपना ड्रग्स वगैरह बेचा करते थे, लेकिन एक दिन उस दुकान के ओनर ने उन्हें ड्रग्स बेचते हुए पकड़ लिया। बहसबाजी और कहासुनी के बाद उन्होंने उस दुकान वाले को बहुत ज़्यादा मारा था। इस वजह से 69 को जेल जाना पड़ा था कुछ टाइम के लिए। ये सब जब हुआ था जब 69 नाबालिग थे, और उन्हें ज़्यादा टाइम जेल में नहीं रहना पड़ा और वो जल्दी ही जेल से छूट गए। और फिर इसके बाद वो इंटरनेट पर अपने उल्टे सीधे फोटोज़ पोस्ट करने लगे, और उनका अकाउंट बहुत बार डिलीट भी हो चुका है। और उन्होंने एक बार कहा भी है कि मेरा अकाउंट बहुत बार डिलीट हो गया है, मैं तो राजा हूँ। ऐसा करके वो इंटरनेट पे अपना अच्छा खासा फेम बना चुके थे। फिर इसके बाद 69 ने 2018 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया और वीडियोस डालने लगे। शुरुआत में उनकी काफ़ी सारी वीडियो डिलीट भी हुई, पर फिर भी वो लगातार वीडियोस बनाते रहे। और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि कभी भी मैंने अपनी इच्छा से रेप नहीं किया, वो बस मुझे मज़े आ रहे थे, मैंने बस मजाक मजाक में रेप कर दिया। और वो बस गाने पर गाने बनाते गए, और फिर वो कोलैब भी करने लगे। 69 ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी अपने म्यूज़िक वीडियो बनाने के लिए। इसके बाद वो ट्रिपी रेड से मिले। ट्रिपी रेड एक रैपर है, और उन दोनों ने फिर साथ में मिलकर कोलेब्रेशन किया और एक गाना निकाला था, और वो गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। गाने का नाम था पोल्स 1469। अभी तक इस वीडियो पर 160 मिलियन व्यूज ऑलरेडी आ चुके थे। इस गाने से तकाशी 69 का पूरा करियर ही चेंज हो चुका था। इसके बाद उन्होंने फेमस डेक्स के साथ एक गाना निकाला था जिसका नाम था जेटा 0.5। ये गाना भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर उनके बीफ चालू हो गए जिला कामी आर्टिस्ट के साथ। जिला कामी उनके साथ ही काम करते थे, और ये बीफ चालू इसलिए हुआ था क्योंकि किसी म्यूज़िक वीडियो के सेट पर कुछ कहासुनी हो गई थी दोनों के बीच, और ये दोनों बीट्स वगैरह भी यूज़ करते थे एक दूसरे की। इस वजह से कुछ कहासुनी हो गई थी। ट्रेविस 69 के मैनेजर है, वो अभी 69 की वजह से जेल में है, और ये इशू बहुत दिन तक चलता रहा। और एक दिन 69 ने जिला कामी को एक टैटू शॉप पर देख लिया और उनके पास चले गए, और उसके बाद जिला कामी टैटू शॉप से बाहर नहीं आए। और वो वीडियो 69 ने पोस्ट किया था कि जिला कामी को कैसे घेरा था। ट्रिपी रेड ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी 69 की। इसके बाद 69 ये सब भूलकर उन्होंने एक गाना ड्रॉप करा जिसका नाम था गमो, और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। और इसके बाद वो बैक टू बैक हिट गाने देते गए, और उनका करियर एक अलग ही लेवल पर जाकर बैठ चुका था, और वो काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल आर्टिस्ट थे न्यूयॉर्क सिटी से। इतने सक्सेस के बाद भी 69 को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़े थे। उन्हें बार बार कोर्ट जाना पड़ा था। जुलाई 2018 में 69 को किडनैप कर लिया गया था, और उनका काफ़ी ज़्यादा कीमती ज्वेलरी भी छीन लिया गया था उनसे, और साथ ही में 69 को काफ़ी ज़्यादा चटकाया गया था, जिसका फ़ोटो आप सब देख सकते हो। इसके बाद 69 का बीफ स्नूप डॉग के साथ भी हुआ था। तो इसकी कहानी यहीं ख़त्म होती है मेरे भाई। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना।